ओके तो इस टाइप का थ्री लेयर वीडियो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर देखा होगा जो कि अभी के टाइम में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो कैसे आप लोग इस टाइप का वीडियो बना सकते हो यही आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को बस आप लोग ध्यान से देखना। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो एप्लीकेशन को यूज करेंगे, एक गाइस कैपकट और एक है वीपीएन। अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे वीपीएन को ओपन करके कनेक्ट कर लेना है। मैं गाइस यहाँ पे सिक्योर वीपीएन को यूज कर रहा हूँ, आप लोग प्ले स्टोर से इस वीपीएन को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे वीपीएन को ओपन करके कनेक्ट कर लेते हैं। ओके तो वीपीएन कनेक्ट हो जाने के बाद कैपकट एप्लीकेशन पे आ जाना एंड यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके सबसे पहले आप लोग जो वीडियो को शूट करोगे सिंपली उस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके गाइस तो यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दो वीडियो को ऐड कर लिया। आप गाइस आपका वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको आप लोग ऐसे करके छोटा कर लेना, मतलब काट कर लेना। सो इतना हो जाने के बाद यहाँ पे म्यूजिक को ऐड करना होगा। यहाँ पे ऐड म्यूजिक पे क्लिक करके यहाँ पे एक्स्ट्रा पे क्लिक करना एंड यहाँ पे हम लोग इस रील वीडियो को सिलेक्ट करेंगे म्यूजिक के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रैक्ट एंड ऐड ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ पे म्यूजिक को ऐड कर लेना। देख सकते हो गाइस यहाँ पे म्यूजिक ऐड हो गया। आप गाइस यहाँ पे आप लोग किस म्यूजिक का इस पार्ट में आ जाना, देख सकते हो इस पार्ट में आ जाना एंड यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको आप लोग यहाँ पे छोटा कर लेना, ठीक है। मतलब गाइस यहाँ से सेकेंड क्लिप स्टार्ट होना चाहिए तो इसको हम लोग यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। आप गाइज हम लोग यहाँ पे थ्री लेयर इफेक्ट को ऐड करेंगे। इसके लिए गाइज आप लोग यहाँ पे इफेक्ट पे आ जाना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना वीडियो इफेक्ट पे एंड यहाँ पे गाइज काफी सारा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ पे गाइज थ्री लेयर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक है थ्री स्क्रीन और ट्राई लेयर मिरर, तो मैं यहाँ पे ट्राई लेयर मिरर को सिलेक्ट करूंगा। ओके गाइज तो यहाँ पे देख सकते हो इफेक्ट जो है अप्लाई हो गया। आप गाइज यहाँ पे एडजस्ट पे आके आप लोग यहाँ पे ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को फास्ट क्लिप तक ही रखना कुछ इतना एंड ये जो यहाँ पे एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना तो यहाँ पे और एक लेयर हो जाएगा। आप गाइज इस लेयर को यहाँ पे सेट कर देना है देन इस लेयर के ऊपर क्लिक करके एडजस्ट पे आके आप लोग ऐसे करके एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देन यहाँ पे गाइज एक ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना होगा, तो ये जो यहाँ पे दोनों वीडियो का बीच में एक आइकॉन है इस पर क्लिक करना। उसके बाद गाइज यहाँ पे कोई भी एक ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई कर लेना, तो मैं यहाँ पे इस सेक इफेक्ट को अप्लाई कर लेता हूँ। तो आप लोग ऐसे करके इस टाइप का वीडियो बना सकते हो, जस्ट गाइज में आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग अच्छे से शूट करना, ठीक है। यही था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो